क्या हो गया बेडशीट को, क्या हो गया? Hey guys, good morning, क्या सब सब एक बार फिर सब सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह सुबह से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह के अभी लगभग 8 बज गए और अभी ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिलहाल मम्मी ना नल आ गए ना पानी भरने की तैयारी कर रहे हैं इधर देखो। और दीदी का तो आपको पता ही है, कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा है कि दीदी तो रक्षाबंधन के लिए चले गए। और ये देखो मम्मी अभी बर्तन वगैरह थोड़े साफ कर रहे हैं और नल पर अंदर ही आ जाते, पानी वानी भरने की तैयारी कर रही है। पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन है तो फिर आपको राखी बांधनी चाहिए आपकी सिस्टर को। हम मैंने बताया था ना कि हमारे में राखी ना ऐसा है कि हमारे में अष्टमी पे राखी बनती है, मतलब हमारे गांव में या निमाड़ क्षेत्र में ऐसे होता है, सब जगह अलग अलग टाइम पर राखी बनती है। जिस दिन रक्षाबंधन रहती है ना उस दिन भी कभी कहीं कहीं बनती है, ऐसा रहता है। तो गाँव में ये सब चलता है, जैसे पहले दीदी वहाँ पर राखी बांध के आ जाएगी, उसके बाद में अष्टमी के दिन हमको बांधेगी ऐसा है। और बहुत सारी सिस्टर भी आएगी अष्टमी के दिन, आपको तो पता है आपने पिछले साल ब्लॉग देखा था कितनी सारी सिस्टर आई थी जो बना रखी है हमने, ठीक है। तो फिलहाल तो पानी भरने की तैयारी चल रही है और बिट्टू दोनों की पढ़ाई भी चल रही है। ये देखो ये ताना, गुड मॉर्निंग बिट्टू, पढ़ाई चल रही है? करो होमवर्क, करो होमवर्क, करो बेटा होमवर्क। और ये नल आ गए यहाँ पर, पानी चल रहा है देखो, ये पानी भर रहे। खाने में आज है आलू की सब्जी, दिख रही मुझे तो आलू की सब्जी है। इसमें है चाय दिख रही है, फिलहाल मैं मेरे लिए शेक बना लेता हूँ। ये देखो दूध भी है और ये दो केले भी है देखो, और काजू बादाम वगैरह डाल के थोड़ा सा शेक बना लेता हूँ मेरे लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना शेक, तभी शेक बना लेता हूँ। देखो दूध भी है और दो केले भी हैं, इसका बना लेता हूँ शेक, ठीक है। आप लोग बताना कैसे क्या बनता है, बट मुझे जैसा आता ना वैसे बना के पीने वाला हूँ। और इसमें मैंने काजू बादाम भी डाल रखे, और मुझे नहीं पता है कि इसको पहले से पीस के डालना पड़ता है कि इसी में तो हो जाएगी, पता नहीं, फिर भी मैं मिक्स करके बना लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे अभी मैं वो शेक बनाने ही वाला था और लाइट चले गई और साथ साथ नल भी आ गए थे तो पानी भी भरना था। और आप पता है ऐसा है हमारे यहाँ नल का ऐसा है कि लाइट रहेगी तो ही पानी आएगा, मोटर चलती है तो ही तेज पानी आएगा, वन आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ फिक्स कर दिया है। नल का ही भी सही करवाना पड़ेगा, अलग से थोड़ा कनेक्शन करना पड़ेगा ताकि लाइट बंद भी हो जाए ना फिर भी पानी आई। पहले आता था लेकिन जब से न्यू घर के अंदर नल फिटिंग करे ना तब से नहीं आता, ऐसा कुछ हो गया है। सभी देखो ये पानी कितना स्लो आने लग गया है, खुद कम आता ना मम्मी लाइट चली जाती तो। आपने भी देखा होगा कितना फोर्स में आ रहा था, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। और अभी मुझे शेक बनाना था और लाइट चली गई, थोड़ी सी तैयारी हो गई थी मेरी। एक गिलास दूध ले केले भी कट करके इसमें डाल दिए थे और एक गिलास दूध भी ले लिया था और लाइट चली गई। इसमें डाल दो तब तक थोड़ा वो हो जाएगा, जो बोलते हैं उसको, इसका ढक्कन किधर गया? ढक्कन ये रहा, इसको थोड़ा फेंक करके रख देते हैं, जब लाइट आएगी तब बन जाएगा। जो शेक बनाया ना ये दोनों भी पी रहे, कैसा लग रहा है? हाँ क्या पूछ रहे बेटा? इसमें क्या नाखा है? तल्लू की इसमें क्या डाला है? काजू बादाम केला और दूध, हाँ वो थोड़ी ना लगता है। सो शेक बन गया मेरा, बिट्टू तल्लू ने तो पी लिया, मैं भी पी लेता हूँ। ये रहा, क्या हो गया बेडशीट को, क्या हो गया है? क्या नहीं, बिट्टू तो ना अभी बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे पूरे बेडशीट को, इतनी मस्ती करी इन दोनों ने अभी, ये तकिए को भी फेंका, बेडशीट को भी इधर कर दिया, बहुत मस्ती करी इन्होंने। मैंने आप बोलना सिखाया ना, क्या बोलेगी केर? सबको क्या बोलोगी? इधर देखो तो अब तू करके बोलेगी, आप बोलना। मेरे
गुदी गुदी एक गुदी गुदी एक गुदी गुदी एक गुदी गुदी एक गुदी 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 एक गुदी गुदी एक गुदी 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 एक गुदी तन्ना का एक नाम क्या है बता बुदी किसने रखा तन्नू पहले बता बुदी नाम किसने रखा पहले बता बुदी बुदी नाम किसने रखा किसने रखा और आपका नाम क्या रखा है बुआ ने मेरा नाम युग बुधा नाम तन्ना आपका नाम क्या रखा है बुआ ने बुधी क्या है बुधी खुजली की देवी ये खुजली कैसे करती है देखो चलो मस्ती बहुत हो गए थप्पड़ दो थप्पड़ थप्पड़ दो शाम के लगभग 5 बज गए और थोड़ी देर पहले मैंने नहा और अभी ना मम्मी ने चाय बना ली तो बिट्टू तन्नु बिस्किट खा रहे और अभी ना मेरा भी मन कर रहा है कि मेरा भी मन कर रहा है सुबह तो वैसे मैं चाय पीता नहीं लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है शाम को थोड़ा बहुत बिस्किट मैं भी खा लेता हूँ चाय के साथ अभी बिट्टू तन्नु खा रहे थे दिखाता हूँ मैं देखो इसको तो देखो कैसे खा रहा है बिस्किट मम्मी अभी ग्लास में दे रही चाय मुझे सुबह तो मेरे लिए रहने नहीं देता मम्मी बट अभी पीने का मन हो रहा बस ज्यादा नहीं सो मम्मी ने चाय दे दी बिस्किट खाने के लिए गाइस अभी हो गया हम सबका चाय पीना हो गया और अभी अपन क्या करने वाले बिट्टू नीचा बनाने क्या नीचा रील्स बनाने वाले अभी हम लोग और ये बेड पर ही बनाएंगे ये बेड के साथ मतलब जैसे न्यू बेड के साथ शायद हमने रील्स नहीं बनाई है सोच रहा बेडशीट भी नहीं है तो मजा आएगा रील्स बनाने में और रिकॉर्ड लगा दिया और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी हम बनाते हैं रील्स ठीक है और आप लोग जाना देखने के लिए इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है पहले अभी हम लोग अच्छे से बना लेते हैं रील्स ठीक है रील्स बनाते बनाते अभी मैं छत पर भी आ गया थोड़ी बहुत रील्स मैंने छत पर भी बना ली नीचे बना रहा था फिर मैंने सोचा कुछ और भी बना लेता हूँ काफ़ी टाइम से मैंने रील्स नहीं बनाई थी अभी बहुत सारी वीडियोज़ बना ली और अभी मौसम ना अच्छा हो गया मतलब मैंने कल भी देखा था बारिश अचानक होने लग गई थी बट अभी ठीक है देखो ये मौसम कैसा क्या लग रहा है ये आज बारिश नहीं हो रही मतलब हुई थी थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन अभी नहीं हो रही फिलहाल नहीं हो रही है बिट्टू तन्नु ये दोनों के दोनों क्रिकेट खेलने गए थे और अभी बकरियों को देख के रुक गए और दोनों के दोनों बकरियों के बीच में खड़े थे नाचने लग गए गिर जाएगी बेटा क्रिकेट चल रहा है इनका वाह वेरी गुड तो वैसे अभी रात के लगभग 9 बज गए और अब जाकर मुझे भूख लगी है और आज खाने में क्या बना होगा ये देखो ये सिम की सब्जी बनी हुई है और इसमें रोटियाँ तो फटाफट पहले मैं खाना खा लेता हूँ बस आज आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी थी बिट्टू तनु ना मस्ती कर रहे थे बेड के ऊपर बेडशीट वगैरह भी मतलब इधर उधर फैला दी थी तकिए वगैरह भी फेंक दिए थे तो उस टाइम ना एक और चीज़ उन्होंने करी थी बट किसी ने भी नोटिस नहीं करा तो अभी वो तो थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा इन दोनों इन्होंने नुकसान करा हुआ है अब क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से ठीक ये यहाँ पे लेटी हुई है ये यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इसका नुकसान करा हुआ है ये हमें हमारी भाषा में इसको कंबल बोलते हैं आप क्या बोलते हो ये मुझे नहीं पता ठीक है आप बता देना कमेंट करके और भी इसका कुछ नाम है यार बट मुझे नहीं आता यार और मैंने बताया था ना मेरी इंग्लिश बहुत वीक क्या ख़त्म पूरी आती नहीं तो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकिन हमारी गांव की भाषा जैसे हम घर में जो यूज़ करते हैं निमाड़ी भाषा उस भाषा में हम इसको कंबल बोलते हैं तो इसको ये कंबल को दोनों ने इधर आप तकिए फेंकना वो चलता है बचपन में सब करते हैं तकिए फेंकना लेकिन आप लोगों ने यही फाड़ दिया ये ऐसे कर रहे थे ऐसी मस्ती कर रहे थे ए, शुरू क्यों हो गए ऐसे में इन दोनों ने फाड़ दिया दिखाओ कहाँ पे फाड़ा दिखाओ कहाँ पे पूरा अब एक जगह से फाड़ा मतलब देखो ये देखो ये देखा ये देखो ये आप कैसा कर रहा है ऐसे शैतान बच्चे किस किस के घर में तो सॉरी बोल रहे बिट्टू आप बोलो
सबको बोलो सॉरी, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, शैतानी छोड़ देंगे, शैतानी करेंगे, सॉरी सॉरी, अब हम नहीं करेंगे। दंड बेटा की नजर, आज के बाद बेटा सुनो, चलो बिट्टू तो दंड बेटा की नजर, आज के बाद नुकसान करोगे? नहीं करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दोगे? वैसे तो पढ़ाई पे बिट्टू बहुत ध्यान देता है। तन्ना आप भी सॉरी बोलो बेटा, सॉरी आज के बाद नुकसान नहीं करोगे ना, और आपको मैंने अच्छे से सिखाया ना बात करना, सबसे आप करके बात करना है ना बेटा, सबसे आप करके बात करना बड़ो बेटा है ना, मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। चलो अब ब्लॉग का एंड कर दो बेटा, चलो बेटा बिट्टू तन्नू बाय।